हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेवा अकेडमी. दिस इज सुमंत एंड निकिता. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम मोर क्वेश्चंस ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स. ओके, आज हम थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. कल लो लेवल से स्टार्ट किया था, थोड़ा हायर लेवल पहुँचे थे, आज एक्सट्रीम हायर लेवल पहुँचेंगे. दैट मीन्स कल से थोड़ा सा और हाई लेवल पे आएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है. और इन द लास्ट ऑफ द वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और जो ज़रूरतमंद है उनके साथ भी शेयर करना, ठीक है. तो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. ओके, तो चलते हैं, मूव करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. How many chiral compound are possible on monochlorination of 2-methylbutane? Okay, ये question है, तो इसको देखते हैं क्या बोल रहे हैं. टू मिथाइल ब्यूटेन का जब मोनोक्लोरीनेशन हुआ, लाइट की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, मोनोक्लोरीनेशन होगा तो क्या क्या बन सकता है, ठीक है. तो देखिए, जिसमें ऐसे कितने कंपाउंड बनेंगे जिसमें कायरल कार्बन हो, हमको ये देखना है, ठीक है. पहले लिख लेते हैं क्या क्या बनेंगे कंप्लीट कंपाउंड, फिर देखते हैं. CH2Cl, CH2, CH, CH3, CH3. एक ये बन सकता है, ठीक है. ये कायरल है क्या? नहीं. दूसरा क्या बन सकता है ये देखो, पहला वाला तो नहीं था, दूसरा ये बनेगा, ठीक है. यहाँ पे अटैच हो गया इस वाले कार्बन पे, तो ये कायरल है क्या? हाँ, ये वाला कायरल है. क्यों है कायरल ये देखते हैं. इस हाइड्रोजन को हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है. अब ये वाला कार्बन कायरल हो गया, हो गया ना. ये कार्बन का एक मिथाइल ग्रुप से अटैच है, एक CH CH CH3 का होल ट्वाइस इससे अटैच है, और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से, एक क्लोरीन से. तो ये तो हो गया कायरल, ठीक है. अब अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच नहीं होके, ये क्लोरीन इस वाले कार्बन से अब अटैच नहीं होके, अगर ये यहाँ पे अटैच हो, ये यहाँ पे अटैच हो जाए, तो क्या ये वाला कार्बन हाइब्रिड कार्बन है, सर ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है. देखो, है, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग एलिमेंट से फुलफिल है, ठीक है. तो ये दो हो गए, एक पहले बना था और एक ये बना. अब एक कंडीशन और क्या हो सकती है, ठीक है, ये वाले कार्बन पे लग जाए, तो ये वाला क्या केरल कार्बन है? वन टू थ्री फोर, ठीक है. क्या ये वाला किरल कार्बन होगा? नहीं, क्योंकि इसके चारों वैलेंसी अलग अलग एटम से फुलफिल नहीं है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है. तो अब इस चार कंपाउंड बनेंगे, चार में से दो कंपाउंड जो होंगे वो किरल कंपाउंड होंगे. पता चल गया कब? जब बीच वाले दोनों कार्बन्स में क्लोरीन अटैच होगा तब, ठीक है. तो कितने किरल कंपाउंड बनेंगे इसमें? इसमें किरल कंपाउंड बनेंगे कितने? दो, ठीक है, क्लियर है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड विल अंडरगो एसएन वन रिएक्शन मोस्ट रेडली, ठीक है. कौन सा एल्किल हैलाइड जो होगा वो एसएन वन रिएक्शन में फास्ट रिएक्शन करेगा? ओके, तो देखो, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है एसएन वन की एल्किल हैलाइड के साथ, तो वो टर्शरी एल्किल हैलाइड के साथ ये फास्ट रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू
सेकेंडरी देन प्राइमरी, है ना। ओके, टर्शरी के साथ फास्ट रिएक्शन करते हैं। तो इसमें तो सभी टर्शरी हैं, अब क्या देखेंगे, अब हैलाइड्स को देखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए टू स्टेप रिएक्शन होती है, SN1 कैसी होती है, टू स्टेप रिएक्शन होती है, टू स्टेप रिएक्शन होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, तो कार्बोकैटायन उसी कंडीशन में जल्दी से बन सकता है जब कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बन और फ्लोरीन है, फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है, कार्बन और फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। आयोडीन एकदम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दैट मीन्स इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, CF की बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा लगेगी। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो लेट ब्रेक होगा एज कम्पेयर टू CI, ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ये जल्दी से रिएक्ट करेगा, ठीक है, जल्दी से एक कार्बोकैटायन बना लेगा। तो फास्ट रिएक्शन कौन शो करेगा, CH3 का होल थ्रोइस CI, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल आयोडाइड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंड प्रोडक्ट C इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है, C पूछ रहा है, तो हमको पहले पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, हम पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं, C2H5OH, है ना। अब इसकी रिएक्शन जब SOCl2 से कराते हैं तो क्या बनेगा, SOCl2 से कराई पाइरिडीन की प्रेजेंस में, पाइरिडीन की प्रेजेंस में करें तो क्या बनेगा, SOCl2। ये मैंने जब अल्कोहल की रिएक्शन मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय द अल्कोहल करवाया था तब मैंने बताया था, आप देख लेना वो वीडियो अगर जिसने नहीं देखा हो, तो बनेगा C2H5Cl, ठीक है, C2H5Cl बनेगा, इसके साथ बनता है SO2 प्लस HCl निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A हमें मिल गया। अब ये A आगे जाके हाइड्रोलिस A आगे जाके B बनाएगा, KCN के साथ रिएक्ट करा, KCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, KCN के साथ इसने रिएक्ट करा, तो क्या बनेगा, ये वो बनेगा C2H5CN, क्या बनाया, C2H5CN बना लिया, जो कि है हमारा B। अब हमको C चाहिए, हाइड्रोलिसिस हुई, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस क्या साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होती है तो क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। तो साइनाइड की हाइड्रोलिसिस होगी, कहाँ मैं बताऊँ, देखो नेक्स्ट पेज में बता रही हूँ, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस C2H5CN जब इसकी हाइड्रोलिसिस हुई, है ना, H2O के साथ रिएक्ट करा है H+ की प्रेजेंस में, है ना। तो साइनाइड से क्या बनेगा, हाइड्रोलिसिस होती है तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड N है, एक्चुअली ऐसा रहता है CN, है ना, तो बॉन्ड ब्रेक होता है, जब फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे H अटैच होता है एक हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे OH अटैच होता है, यहाँ पे H अटैच होता है, ओके। अब सेकेंड वाला एक और है, H2O बचेगा, एक H2O को तो हमने ऐसे ब्रेक कर लिया, एक और हाइड्रोजन वाटर होगा, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे H2 अटैच हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ O अटैच होगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अमोनिया, अमोनिया निकल जाता है, ठीक है, और बन जाएगा C2H5COOH, ओके, आया समझ में, C2H5COOH ये हमारा C है प्रोडक्ट, ठीक है, बन गया हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा C2H5COOH, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाय, ठीक है क्या बोल रहा है, एल्किल फ्लोराइड किस सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड किस रिएक्शन से इजीली हो सकती है। देखो अब आपको तो इसके लिए पता होना चाहिए, मैंने जो रिएक्शंस पढ़ाई हैं बहुत अच्छे से, फिंगरस्टीन रिएक्शन में क्या बनता है, आयोडाइड बनते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाने की बेस्ट रिएक्शन है फिंगरस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन है एल्किल फ्लोराइड बनाने की बेस्ट रिएक्शन, ठीक है। तो एल्किल फ्लोराइड किस में इजीली सिंथेसाइज हो सकते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन में, यहीं पे हमको पता चल गया, ठीक है। क्वेश्चन है फिटिग रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रिपेयर, फिटिग रिएक्शन किसके लिए यूज़ की जाती है मेनली, क्या प्रिपेयर करने के लिए, तो मैंने तीन रिएक्शन पढ़ाई थी, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिग एंड फिटिग, ठीक है। वुड्स पे मैंने बताया था एल्किल हैलाइड, दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, फिटिग में वुड्स फिटिग में कराते हैं एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक एरिल हैलाइड लेते हैं, तो फिटिग में हम लेते हैं दो एरिल हैलाइड, दो एरिल हैलाइड की टू मोल ऑफ सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये होती है ना फिटिग रिएक्शन, तो टू एन ए एक्स निकल गया, तो बनता क्या है प्रोडक्ट, ये वाला इसका खाली हो गया प्लेस और इसकी ये वाली जो प्लेस खाली हुई है और ये वाली प्लेस खाली हुई है आपस में जुड़ जाते हैं, ये बना लेते हैं डाइफिनाइल, ये क्या है डाइफिनाइल, तो फिटिग रिएक्शन बेसिकली डाइफिनाइल फॉर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, ओके क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, विच इज़ क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ए क्या है इन रिएक्शन में, ठीक है इस रिएक्शन में ए क्या है, तो पहले बना लेते हैं रिएक्शन, बेंजीन रिंग के साथ CH2 अटैच है, ओके इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, प्रोडक्ट बन रहा है A, वो क्या है वो बताना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था जब एल्कीन मेथड ऑफ प्रिपरेशन बाय द एल्कीन ऑफ हेलो एल्कीन ये पढ़ाया था, ठीक है, एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स पढ़ाया था, तो एडिशन ऑफ हेलो एसिड्स इन द एल्कीन, तो एल्कीन में जब हेलो एसिड्स का एडिशन होता है तो क्या बनता है, ये मैंने पढ़ा चुका है, आप वो देख लेना वीडियो, ठीक है, जिसने नहीं देखा होगा उसको तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है, डबल बॉन्ड टूटेगा और एक साइड हाइड्रोजन अटैच होगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ एक जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और एक जगह क्लोरीन, ठीक है। तो अब ये बताओ कि किस साइड हाइड्रोजन अटैच होगा, किस वाले कार्बन में हाइड्रोजन अटैच होगा और किससे क्लोरीन अटैच होगा, ये थोड़ा टिपिकल है, कैसे ये टिपिकल है, क्योंकि इसमें एक रूल फॉलो होता है, वो है मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल, ओके मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है कि जो हैलोजन है, हैलोजन उस कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, जो प्री डोमिनेंट है, ठीक है, प्री डोमिनेंट कार्बन से हैलोजन अटैच होगा और लेस डोमिनेंट कार्बन से हाइड्रोजन, तो यहाँ पर प्री डोमिनेंट कार्बन कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 CHCl CH3, ओके ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे क्या है ये सी, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, ठीक है, इनमें से कौन सा SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव होगा, ठीक है। अभी एक और इसका एग्जाम्पल पढ़ा था जब हमने आयोडीन से आयोडाइड को टिक किया था, है ना, जब हमने हैलाइड के बिहाफ में पढ़ा था। अब देखो इसमें वही बात आ गई, मैंने ये बता चुका है एक तरह से आंसर क्या बोला था कि रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, टर्शरी की, देन सेकेंडरी की, देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड की ज़्यादा होगी या एरिल हैलाइड की ज़्यादा होगी SN1 के लिए। तो इनमें से ये देख लो टर्शरी कौन सा है, टर्शरी जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा, देखो टर्शरी ये वाला है, ए वाला ही मुझे सही लग रहा है, C6H5CH3, ओके यहाँ पे क्या है C6H5, यही टर्शरी है, ये वाला आंसर करेक्ट होगा, फर्स्ट आंसर ही करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है, एक्स एंड वाई को आइडेंटिफाई करना है सीक्वेंस में। तो चलो इक्वेशन को लिख लेते हैं, C2H5Br, ओके यह C2H5Br, जब इसकी रिएक्शन हो रही है X से तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखो X क्या कह दिया KCN, Y क्या हो सकता है कि NH2 बन जाए, KCN अगर हम लेते हैं A और B को मानते हुए तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या C2H5CN, है ना, अगर X को ये ले लेते हैं। फिर Y देखो हाइड्रोलिसिस से तो वो एसिटिक एसिड बनता है, हाँ देखो A इज द करेक्ट आंसर, कैसे, क्योंकि अगर हमने इसकी रिएक्शन Y क्या है, अगर हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लेते हैं हम, ठीक है, HIAL H4 ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखो इसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा CN का रिडक्शन होगा, तो दोनों साइड क्या होगा हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, C2H5C, ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसके बीच में वो ब्रेक होंगे, यहाँ पे क्या होगा CH2, ठीक है, इसकी दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो जाएंगी, फिर दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक H यहाँ जोड़ेगा, एक H यहाँ, फिर एक H यहाँ, फिर एक H यहाँ, तो NH2, ठीक है, दो एक बॉन्ड टूटा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक और बॉन्ड टूटा, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, बस क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, है ना। तो प्रोडक्ट क्या है C3H7, 2 और 1 3 कार्बन है, 5 to 7 C3H7NH2 बन गया, तो A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, कन्वर्जन बचा है, तो कन्वर्जन इनसे ही रिलेटेड है, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं कन्वर्जन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दो, रिक्वेस्टेड वीडियो होगा वो मैं बनाऊंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड नीडी पीपल्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।